हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सप्लाई इस पर्टिकुलर चैप्टर को और इससे रिलेटेड शेड्यूल्स को एंड इंक्लूडिंग कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई को कंप्लीट किया था। साथ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जिनके आंसर्स यू आर सपोज टू राइट ऑन। आज के वीडियो का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि फर्स्ट हम कोशिश करेंगे टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग शेड्यूल्स एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। पहले तो हम इसे एक बार क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और जब मैं रिवाइज करवाऊंगा या उसको रीलुक करवाऊंगा, एट दैट टाइम आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग मच। हम लोग सिर्फ क्विक वे में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट, वंस वी आर डन विद दैट पोर्शन, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे टू इवेल्युएट और चेक कि एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर चैप्टर में से किस तरह के सवाल पूछता है और क्या हम उन सवालों के जवाब देने के काबिल है या नहीं है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन सेम लाइन पर चले जिस लाइन पर क्वेश्चंस पूछने की फ्रीक्वेंसी है या जिस टाइप के या जो कंटेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमने इसके पहले एक बार पेपर हम लोग देख चुके हैं जहां पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद पेपर को पढ़ा था। हमें पता है कि कितने मार्क्स का हम जवाब दे पाते थे या वी वर एबल टू आंसर फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ मार्क्स। अभी हम लोग इस चैप्टर के बाद में भी सेम सिस्टम में इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विद द रिविजन ऑफ टर्म सप्लाई। तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या कहता है? सो पहली बात तो जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानने के लिए तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, देर आर थ्री पैरामीटर्स। फर्स्ट, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हमें सप्लाई डिनोट करना है तो एक तो बायर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास पर्सन होना जरूरी है। दूसरा, फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। एंड थर्ड, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों पैरामीटर्स आपने सेटिस्फाई कर दिया एंड दैट पर्टिकुलर सप्लाई इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई टर्म करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अगर आपने ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया तो वेल एंड गुड, ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानेंगे और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल। So while these parameters describes the concept of supply, under certain circumstances, transactions have been deemed as supply. आप कुछ transaction को deemed as supply मानोगे, even when the supply is made without consideration. Even when the supply is made without consideration. ठीक है? बट ये जो विदाउट कंसिडरेशन का आप सप्लाई कर रहे हो, जिसे हम डीम्ड सप्लाई मान रहे हैं, बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो विदाउट कंसिडरेशन जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जिसे हम सप्लाई मान रहे हैं, बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो देर आर सर्टन ट्रांजेक्शन जिनको हम डीम्ड एज सप्लाई मानते हैं, बट दोज ट्रांजेक्शन शुड बी अंडरटेकन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये सब कुछ दिया गया है अंडर शेड्यूल वन, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम सप्लाई मानते हैं इवन दो इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसके लिए हमने क्या कहा है, फर्दर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई। अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसे भी हम क्या ट्रीट करते हैं, सप्लाई ट्रीट करते हैं। मैं इसे हाईलाइट किसी एक अलग पेन से करता हूं सो दैट वो आसानी हो आप लोगों को रीड करने में।
लेट मी चेक. सो फर्दर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेस फॉर अ कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसके अलावा देर आर सम ट्रांजेक्शन दोज आर ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेस एज पर शेड्यूल 3. उसके बारे में भी हमने बात की है. ठीक है. सो फर्स्ट हमने कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानने के लिए इट शुड बी बाय अ पर्सन फॉर अ बिजनेस एंड इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन. देन शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई बताया गया है इवन इफ इट इज एंटर्ड विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप कर रहे हो इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सप्लाई. अपार्ट फ्रॉम दिस शेड्यूल 3 में ऐसे एक्टिविटीज बताई गई है दोज आर ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिसे हम निगेटिव लिस्ट भी कहते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि पर्सन बिजनेस और कंसिडरेशन होना चाहिए. देन वी स्टडीड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1. ठीक है. देन हम लोगों ने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में एक चीज. इसके बारे में एक और पार्ट हम शेड्यूल 1 में भी पढ़ेंगे. और हमने एक चीज और पढ़ी निगेटिव लिस्ट एज पर शेड्यूल नंबर 3. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंटर्स हमने देखे थे इनिशियली. फिर आगे बढ़ते हुए फर्दर इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा और अच्छे से अगर समझने की कोशिश करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को तो सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट डज इट इंक्लूड. सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जो कि दिया गया है शेड्यूल 1 के तहत. बराबर है. एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो कि दिया गया है शेड्यूल 2 के अंदर में. कि आप वेदर आप पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे. अगर उसमें कुछ डिबेट है कुछ कंफ्यूजन है तो शेड्यूल 2 में जो लिस्ट देगी आपको वो एज इट इज फॉलो करनी है. एंड इट एक्सक्लूड्स सप्लाई डज नॉट इंक्लूड निगेटिव लिस्ट एज पर शेड्यूल नंबर 3. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए. ठीक है. सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज डिस्पोजल एक्सेट्रा provided that it is for a consideration and it is in the course or furtherance of business. ठीक है. तो supply मानने के लिए consideration होना चाहिए. It should be in the course or furtherance of business भी होना चाहिए. उसके बाद हमने देखा import of services for a consideration. Services अगर आप import कर रहे हो they should be for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. मतलब अगर मैं इंडिया के बाहर से इंडिया में अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं एंड इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन तो ये अगर बिजनेस के लिए होगा तो भी सप्लाई है. बिजनेस के लिए नहीं होगा तो भी सप्लाई है. ठीक है. सो इनिशियली हमने कहा सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. द एक्सेप्शन टू द सेड रूल इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज डीम्ड एज अ सप्लाई इवन इफ द सेम हैज बीन इंपोर्टेड नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड दैट इट इज फॉर अ कंसिडरेशन. ठीक है. देन हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1. इसमें मेजरली हमने चार ऐसे ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे जहां पर हमने कहा था कि इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन स्टिल उन ट्रांजेक्शन को या उन एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानेंगे प्रोवाइडेड दैट वो शेड्यूल 1 में कवर्ड है. बट इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दैट मीन्स इट इज फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए होना जरूरी है. इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ठीक है. इसमें हमने जो जो ट्रांजैक्शंस पढ़े एक बार देख लेते हैं. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में शेड्यूल 1 में क्या क्या कहा है. सबसे पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट. तो इसमें सबसे पहले आपके पास में क्या होनी चाहिए. एक बिजनेस असेट होनी चाहिए. इस पर्टिकुलर बिजनेस असेट के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया होना चाहिए and it should be permanently transferred or disposed of. In this case, even if it is without consideration, toh bhi hum ise deemed a supply manenge.
मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस असेट है जो परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ की जा रही है, अगर इसके ऊपर आईटीसी अवेल्ड में अगर यस लिखा है तो फिर ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है, और अगर यहाँ पे आईटीसी अवेल्ड में अगर नो लिखा है तो फिर ट्रांजैक्शन विल बी नॉट अ सप्लाई। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स देखे हैं और उसको हमने चार्ट फॉर्मेट में भी हम लोगों ने देखा है। फिर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस, तो एक रिलेटेड पर्सन अपने दूसरे रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, एंड इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई इवन दिस ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन, इवन दिस ट्रांजैक्शन इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट दे रहा है एंड गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर आर नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई, अगर 50,000 के ऊपर जाएंगे तो उनको हम सप्लाई मानेंगे। देन सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज डीम्ड एज अ सप्लाई, अगर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई गुड्स दे रहा है या फिर एक एजेंट अगर अपने प्रिंसिपल को कोई गुड्स दे रहा है इट इज ऑल्सो डीम्ड एज सप्लाई। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल एंड एजेंट का ट्रांजेक्शन है इट कवर्स ओनली गुड्स, यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। देन हमने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस, ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस है ये क्या है, विदाउट कंसिडरेशन है। सो इफ यू आर इंपोर्टिंग सर्विसेस फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन इन इंडिया एंड इफ यू आर इंपोर्टिंग दोज सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इट इज ऑल्सो डीम्ड एज अ सप्लाई इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सो शेड्यूल वन में हम लोगों ने चार एंट्रीज पढ़ी है इंपॉर्टेंटली, एक पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, दूसरा है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस, तीसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड वाइस वर्सा, और चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये जो हमने सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन ये जो हमने पढ़ा था इसमें हमने दो मेजर एग्जाम्पल्स पढ़े थे, वन वॉज स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, वन वॉज स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर। ठीक है, ये एक देखा था एंड अनदर वॉज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं था ऐसी चीजें। अब अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये जो वर्ड आया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दो जगह पर मेंशन हुआ है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दो जगह पर अलग अलग जगह पर कहां कहां पर मेंशन हुआ है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो आप सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो ये दो अलग अलग जगह पर मेंशन किया गया है। एक वन इट इज मेंशन्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन है उसमें बिजनेस है या नहीं है उसके बारे में, तो कंसिडरेशन वेदर इट इज फॉर बिजनेस और वेदर इट इज नॉट फॉर बिजनेस यहां पर एक बार मेंशन हुआ है। और दूसरा व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है उसमें भी वेदर इट इज फॉर बिजनेस एंड नॉट फॉर बिजनेस, ऐसे दो अलग अलग जगह पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का हमने मेंशन पढ़ा है। वी विल ट्राई टू सी अ चार्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एज वेल, सो दिस इज अ चार्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इफ इट इज विथ कंसिडरेशन, इफ देयर इज अ कंसिडरेशन देन इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी वो सप्लाई है, if it is not in the course or furtherance of business to be wo supply hai, and if import of services is without consideration it is from related person or distinct person plus it is in the course or furtherance of business then only it is supply, in other cases it is not a supply। aur ye jo without consideration ki hum baat kar rahe hai we are talking about schedule 1 aur humne starting mein hi padha hai schedule 1 talks about transactions without consideration but in the course or furtherance of business। तो ये चार्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने वाइल स्टडिंग दिस हमने भी ऐसा भी चार्ट बनाया था, ठीक है ना, आप लोग भी इसे ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़े शेड्यूल टू के तरफ, जहां पर बाइफर्केशन दिया है कि वेदर आप पर्टिकुलर एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे, वेदर यू आर गोइंग टू ट्रीट एनी एक्टिविटी एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें पहला जो ट्रांजेक्शन का टाइप आया उसमें नाम आया ट्रांसफर,
पहला जो ट्रांजैक्शन का टाइप आया उसका नाम क्या आया, ट्रांसफर। यहाँ पे हमने पढ़ा वेर एवर देर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, जब कहीं भी गुड्स का टाइटल इन गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। अब चाहे ये इमीडिएटली हो या फिर ऑन अ फ्यूचर डेट हो, जहां पर भी टाइटल इन द गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड वेदर इमीडिएटली और ऑन अ फ्यूचर डेट, आप इसे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हो। और जहां पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट ओनली राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे हम उसको हम क्या मानते हैं, दैट इट इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो ट्रांसफर में अगर टाइटल इन गुड्स जा रहा है, इट इज अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल इन गुड्स जा रहा है जहां पे प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, इट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ गुड्स। जहां पे राइट टू यूज जा रहा है, ओनली राइट टू यूज जा रहा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेस। देन हमने पढ़ा था लैंड एंड बिल्डिंग। हमने देखा था कि सर ये लैंड एंड बिल्डिंग बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये गुड्स तो कभी हो नहीं सकते। तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होगी तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। जैसे कि इसमें एनी काइंड ऑफ लीज, टेनेंसी, इजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, इट इज ऑलवेज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तीसरा हमने पढ़ा एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन गुड्स, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अ जॉब वर्क। सो जॉब वर्क को हम क्या कहते हैं, किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट और प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर की एंट्री, जो अगेन थोड़ी बड़ी एंट्री थी, जहां पर आया था ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। यहां पर हमने ये पढ़ा था अगर कोई बिजनेस का असेट मैं अगर किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी बिजनेस का मान लेते हैं कोई फिक्स्ड असेट है, कोई मशीनरी है, वो मैं किसी को सेल कर रहा हूँ या ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसे मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानता हूँ। अगर कोई बिजनेस का असेट हम पर्सनल या प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। और अगर कोई बिजनेस का असेट जहां पर मैं बिजनेस को शट डाउन कर रहा हूँ या बिजनेस को क्लोज कर रहा हूँ या वाइंड अप कर रहा हूँ या बंद कर रहा हूँ, वेयर आई सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, जहां पर मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता हूँ, उस केस में जो भी असेट्स पेंडिंग होंगी ऑन दैट डेट विथ मी, उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन देयर आर टू एक्सेप्शंस, जहां पे अगर ये आप अगर इन एक्सेप्शनल कैटेगरीज में आ गए तो उस ट्रांजेक्शन को मैं सप्लाई ही मानता नहीं हूँ, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई, उसे हम नो सप्लाई करके मानते हैं या नो सप्लाई बोलकर ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन है उसके लिए, जहां पर एक्सेप्शन में वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न या फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट में सबसे पहला हमने क्या देखा, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। दूसरा, गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस, जो बिजनेस यूज के लिए गुड्स थे उन्हें हमने प्राइवेट यूज या प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किया, ओनरशिप वगैरह अभी तक के ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। इसको हम एज गुड एज रेंटिंग ट्रीट करेंगे कि भाई बिजनेस का असेट आपने प्राइवेट और पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया तो उसे आप ट्रीट करो एज गुड एज इट इज अ केस ऑफ रेंटिंग। जहां पे गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट वेयर यू सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, जहां पे आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे हो उसे भी हम क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। बट देर आर दिस टू एक्सेप्शन जहां पे हम नो सप्लाई ट्रीट करेंगे, वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, हमने एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस को ट्रांसफर किया, और वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय अ पर्सनल और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हमने इसमें यह भी देखा कि जो गोइंग कंसर्न है इसका मतलब क्या होता है सर, इट इज अ काइंड ऑफ मर्जर और एक्विजिशन और अमलगमेशन और डीमर्जर एक्सेट्रा की हम बात कर रहे हैं। और ये जो दूसरा केस आया है उसको हम कह सकते हैं अ काइंड ऑफ सक्सेशन, जहाँ पे फादर की डेथ हो गई तो सन या उसके डॉटर ने बिजनेस को कंटिन्यू किया, तो सक्सेशन वगैरह के केसेस यहाँ पे आ सकते हैं। देन फर्दर नेक्स्ट हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कुछ एंट्रीज, जिसमें पहला था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो पहले तो सर रेंटिंग है, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टीज है तो सर्विसेस ही होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर सर्विसेस होगा,
टेम्पररी ट्रांसफर है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं है। परमानेंट ट्रांसफर शेड्यूल वन में कवर्ड होता है। सो टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज गुड एज रेंटिंग एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, डिजाइन करना, प्रोग्राम करना, कस्टमाइज करना, अपग्रेड करना, अडॉप्ट करवाना, एनीथिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी कि नॉट टू डू समथिंग और नॉन कम्पीट फीस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, राइट टू यूज ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, उसी भी हम क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटी है इसको हम पैराग्राफ 5B कहते हैं ऑफ शेड्यूल 2। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने कहा है कि प्राइमा फेसी किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जो कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का रहेगा उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि वेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशन और रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर देन दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स तो ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये दो इवेंट में विच एवर इज अर्लियर फ्रीज करना है, और इसके डेट के बाद, इस डेट के बाद में अगर एंटायर कंसिडरेशन मिला तो हम उसे सप्लाई मानते नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देन सिक्स्थ में हमने देखा एनी काइंड ऑफ कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच इज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। रेस्टोरेंट में आप जो खाना वाना खाते हो उसे भी हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी अगर अपने मेंबर्स को कोई गुड्स सेल कर रहा है या सप्लाई कर रहा है तो उसे भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। और यहाँ पर हमारा शेड्यूल 2 खत्म होता है। तो शेड्यूल 2 में जो टोटल 7 एंट्रीज है आपको पता होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स के साथ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने वीडियोज में देखा है, तो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। बेस्ड ऑन दिस हम लोग अभी बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 3 के तरफ, जिसको हमने कहा है नेगेटिव लिस्ट, इन अदर वर्ड्स नो सप्लाई। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जहां पे आप सारी कंडीशंस भले ही सेटिस्फाई कर लो फिर भी उन ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानते नहीं है। इसमें पहला है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट अ सप्लाई। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, इट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। फिर ये जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल है, फिर चाहे वो आपका हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहे, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम रहे, कोई इनकम टैक्स का या रेवेन्यू लॉ का ट्राइब्यूनल रहे या किसी और लॉ का ट्राइब्यूनल रहे, तो भी इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। देन फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, लोकल अथॉरिटीज, कोई अगर आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे आप उसके चेयरपर्सन या किसी और नाम से भी हो, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी चेयरमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम और मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, वो जो डेड बॉडी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी अगर होता है, इट इज अगेन नॉट अ सप्लाई। सेल ऑफ लैंड इज डेफिनेटली नॉट अ सप्लाई। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग इज अगेन नॉट अ सप्लाई। एक्शनेबल क्लेम्स पर से वो सप्लाई नहीं है, लेकिन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये तीन एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानते हैं। सो एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट अ सप्लाई, लेकिन अगर आपके पास, अगर आप लॉटरी ले रहे हो, बेटिंग कर रहे हो या गैम्बलिंग कर रहे हो, इन तीन केसेस में वो सप्लाई होगा बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन द शेड्यूल 3 और उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंटली GST आ सकता है, ठीक है। सो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। फिर सेवंथ में हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन टू इंडिया, इट इज नॉट अ सप्लाई। यानी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आप सेल कर रहे हो विदाउट ब्रिंगिंग दोज गुड्स इन टू इंडिया, इट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि आपने कोई गुड्स इंडिया में लाए, वेयर हाउस में रखे, अभी तक क्या आपने उसको कस्टम से क्लियर नहीं किया, तो उसे मैं डोमेस्टिक गुड्स का पार्ट मान नहीं सकता, इट इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ द ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये जो बी है, इट इज अ काइंड ऑफ सेल इन द हाई सी और इंटरनेशनल वाटर, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई, उसको भी हम सप्लाई मानते नहीं है, बराबर। यहां पर हमारा शेड्यूल 3 भी खत्म हुआ। तो हमने
सप्लाई जब समझने की कोशिश किया था तो हमें सप्लाई को पढ़ते समय कुछ पैरामीटर्स या कुछ चीजें दिमाग में रखना जरूरी थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले देयर शुड बी, इट शुड बी बाय अ पर्सन। नंबर वन। नंबर टू, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। नंबर थ्री, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो प्राइमा फेसी आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई है। देन हम कहेंगे कि इट शुड बी, ये जो सप्लायर जो है, इट शुड बी बाय टैक्सेबल पर्सन, जिसका मीनिंग हमने पढ़ा था, दोज हु आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, एंड द सप्लाई शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटोरी। तो सप्लाई होगा। हाउएवर वी हैव शेड्यूल वन, जहां पे वी ट्रीट ट्रांजैक्शंस एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, बट फॉर बिजनेस, यहां पे बिजनेस होना जरूरी है, ठीक है। फिर हमने शेड्यूल टू देखा, जहां पे हमें बाइफर्केशन मिला कि वेदर आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को गुड्स ट्रीट करोगे और आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एज अ सर्विसेज ट्रीट करोगे। फिर हमने शेड्यूल थ्री देखा, जहां पे आपने भले ही ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, स्टिल मैं उसको नो सप्लाई मानूंगा या फिर उसको हम कहां मानेंगे, निगेटिव लिस्ट में हम उसको कवर मानेंगे। भले ही आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, फिर भी हम उसको नो सप्लाई मानेंगे। ये जो शेड्यूल वन है, इसमें मेजरली फोर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर्ड है। शेड्यूल टू है, इसमें मेजरली सेवन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर्ड है। और शेड्यूल थ्री में मेजरली एट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर्ड है। ये देखिए, एक बार देख लेते हम लोग। शेड्यूल थ्री में एट कवर्ड है, ठीक है ना। शेड्यूल टू में सेवन कवर्ड है और शेड्यूल वन में तो फोर कवर्ड है, ठीक है। अगर आपको इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है, मोटा मोटा तौर पर अगर आपको दिमाग में याद है, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो फिर हम लोग कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई को भी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई क्या है। तो फंडामेंटली हमने क्या कहा, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई के लिए, व्हेन मोर देन वन प्लस वन, यानी कि मोर देन वन गुड्स और सर्विसेस और बोथ, फिर मोर देन वन गुड्स और सर्विसेस और बोथ, दे आर सप्लाइड टुगेदर at a single price, then it can be a composite supply or a mixed supply. वो composite supply हो सकता है या फिर mixed supply हो सकता है। Composite supply कब होता है, when they are naturally bundled या naturally supplied together. Mix कब होगा, जब वो composite नहीं है तब। कंपोजिट होगा तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है या डोमिनेंट सप्लाई, उसका जीएसटी का रेट लगेगा। मिक्स होगा तो जो अमॉन्ग द गिवन ट्रांजैक्शंस जो हाईएस्ट रेट है वो लगेगा। एक बार हम देख लेते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग हमने क्या कहा, कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाईज, दोज आर नेचुरली बंडल्ड और नेचुरली सप्लाइड टुगेदर इन कंजंक्शन विद ईच अदर, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें का एक चीज क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, कि जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो जीएसटी का रेट है वो रेट पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगा। एग्जांपल, चार्जर सप्लाइड अलोंग विद द मोबाइल फोन, ये वाला एग्जांपल। मिक्स्ड सप्लाई क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सप्लाईज, दोज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, जानबूझ के आपने साथ में भेजे है, दो दे कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, स्टिल आप उनको टुगेदर सप्लाई कर रहे हो, ये इंडिपेंडेंटली सप्लाई आप कर सकते हो, फिर भी जानबूझ के आप उसको साथ में सप्लाई कर रहे हो।
tax liability shall be the rate applicable to the supplier that attracts highest rate. तो इन गिवन ट्रांजेक्शन जिस सप्लाई पे हाइएस्ट रेट रहेगा वो रेट पूरे ट्रांजेक्शन पे लगेगा. एग्जाम्पल है गिफ्ट पैक्स कंप्राइजिंग ऑफ चॉकलेट्स कैंडीज स्वीट्स एंड बलून्स, ये एग्जाम्पल रहा. फिर हमने इसके पैरामीटर्स वगैरह भी देखे थे, चार्ट भी देखा था. ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये जो हमने अभी समरी वे में जो भी रीड किया, सो मोडस ऑपरेंडी मैं ये मान के चलो आप लोग फॉलो कर रहे हो, पहले पूरा वीडियो देख लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो और फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप नोट डाउन करना स्टार्ट करते हो. समरी में भी सेम मोडस ऑपरेंडी आपको फॉलो करनी है, पहले देख लेना है, समझ लेना है, एब्जॉर्ब कर लेने का है और उसके बाद उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कंटेंट्स या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आप उसे या उन कंटेंट्स को या उन इंग्रेडिएंट्स को आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे जिनका आंसर यू वर सपोज टू राइट डाउन, तो वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं तो आई विल नॉट टॉक अबाउट देम. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई को खत्म किया. अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया है, अब हम कोशिश ये करेंगे कि एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चन आए और कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम जानने की कोशिश करेंगे. सो हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है. इसके पहले वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे वो आप अपने लेवल पर, हमने पीछे तो एक बार लास्ट वीडियो में या उसके पहले वाले वीडियो में तो हमने एक बार देखे ही है उनको, उनको हम अभी रिपीट नहीं करेंगे. तो लेट अस गो. तो ये एक पेपर है हमारे पास, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी कितने मार्क्स का आप सॉल्व कर सकते हो या ऑप्ट कर सकते हो. तो क्वेश्चन 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पेपर फॉर्मेट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 1 mark का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. अब इसमें क्या आप कोई सॉल्व कर सकते हो, एट दिस मोमेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं है, अर्लियर चैप्टर से सवाल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. मैच द पेयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई सवाल नहीं है, अर्लियर चैप्टर से सवाल थे जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, द जो रोमन वन है, द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स सेल एक्सचेंज एंड लीज, ये क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स है, दिस इज ट्रू. हमने भी पढ़ा सप्लाई इंक्लूड सेल एक्सचेंज बार्टर एक्सेट्रा. सो ट्रू और फॉल्स में आप क्वेश्चन नंबर 1C में रोमन वन का आप जवाब दे सकते हो विच इज फॉर दी 1 mark. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर 1 mark का एक क्वेश्चन तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ट्रू और फॉल्स में रोमन 3, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST लॉ गिव्स फ्री स्पून अलॉन्ग विथ एवरी सोप परचेस्ड, दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई अंडर GST लॉ. इज इट अ कंपोजिट सप्लाई? कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या, नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली सप्लाइड टूगेदर. अब साबुन के साथ में चम्मच मतलब अलॉन्ग विथ सोप स्पून फ्री में जनरली मिलता है, नेचुरली बंडल्ड है, आंसर इज नो. जानबूझ के अपने साथ में क्या है, तो इट कैन नॉट बी अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. बट इसका आप जवाब लिख सकते हो. तो 1 mark के बाद में वी विल ऐड अगेन 1 mark. ठीक है, देन लेट अस सी व्हाट यू कैन एल्स सॉल्व, फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं. लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड इज ट्रीटेड एज, शेड्यूल 2 के ऊपर ये सवाल है. लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड, पहले तो लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, लाइसेंस दिया मतलब रेंटिंग पर दिया, तो लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. आप इसका भी 1 mark का सवाल सॉल्व कर सकते हो, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से यहां पर भी आप लिख लीजिए 1 mark. आगे देखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में फिलहाल आप इतने सॉल्व कर सकते हो जो कि 3 marks हो रहे हैं. आगे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में हम कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं इसमें. 2A वाला जो क्वेश्चन है वो हम पहले वाले चैप्टर के बेसिस पर है, तो जो भी क्वेश्चंस अर्लियर चैप्टर के बेसिस पर है उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ करंट चैप्टर के बेसिस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है ना, तो लेट अस प्रोसीड.
क्वेश्चन 7 राइट शॉर्ट नोट और एनी 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो 3 क्वेश्चंस दिए उसमें से किसी नीचे जो 4 क्वेश्चंस दिए उसमें से किसी 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। 5 मार्क्स ईच का सवाल है ये, ठीक है। तो इसमें आप राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिट सप्लाई, आप इसके ऊपर लिख सकते हो। कंपोजिट सप्लाई के ऊपर आपको लिखना है, कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है। When two or more goods or services or both are supplied together at a single price, it may be a composite supply or mixed supply. जब वो naturally bundled है तो composite होगा, उसको जो principal supply या dominant supply उसका rate लगेगा, वगैरह वगैरह आपको explain करना है 5 mark के लिए। जितना आपको composite supply पे आता है पूरा का पूरा छाप देना। अगर section number याद हो तो आप section number भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 marker का question और solve कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन जो पार्ट है वो कस्टम से शुरू हो रहा है, सेक्शन बी है। तो टोटल कितने मार्क्स का हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं एट दिस मोमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर? 1, 2, 3 और 5, 8 मार्क्स, ठीक है। ये हमने पेपर 1 देखा किसी एक अटेम्प्ट का। अब एक और दूसरे किसी अटेम्प्ट का पेपर देखने की कोशिश करते हैं हम, ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं तो हम ज्यादा पेपर्स देखने की कोशिश कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगेन माय फोकस विल बी ओनली ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो हमने पढ़ा है, यानी कि सप्लाई क्या है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के ऊपर कौन से क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। तो 1 है एमसीक्यू पैटर्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आप कौन सा सॉल्व कर सकते हो, लेट अस ट्राई टू सी। इसमें आप कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते हो एट दिस मोमेंट। मैच द पेयर में आप कौन सा सॉल्व कर सकते हो, देखते हैं हम, कोशिश करते हैं। कॉलम ए में दिया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम, सेल ऑफ बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। और कॉलम बी में दिया है डिफरेंट जीएसटी एन बट वन पैन, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, क्वार्टरली रिटर्न। सो इसमें डिस्टिंक्ट पर्सन जो है इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि एक परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर में आपका अलग अलग गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन रहेगा या अलग अलग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जीएसटी का नंबर रहेगा स्टेट वाइज। वन पैन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन। तो आप इसका एक मार्क का एक क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग लिख सकते हो। तो मैच द पेयर में यहाँ पर हम 1 मार्क का लिख सकते हैं फिलहाल। आगे देखते हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग, इट इज इन द नेगेटिव लिस्ट, नॉट अ सप्लाई, बराबर है, उसका भी हम जवाब लिख सकते हैं। तो 1 मार्क का और एक जवाब आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्या पूछा है आपको, देखिए ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में क्या आप किसी चीज का जवाब दे सकते हो, लेट्स ट्राई टू सी। रिपीट क्वेश्चन, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ गिव्स अ फ्री स्पून अलॉन्ग विद एवरी सोप। रिपीटेड क्वेश्चन, दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, लॉटरी लग गई, राइट, हर बार नहीं लगेगी, वो कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, यू कैन राइट इट। देन फिल इन द ब्लैंक में ये रोमन 2 का क्वेश्चन, गिफ्ट्स एक्सीडिंग डैश इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई शैल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसका शेड्यूल 1 के बेसिस पर ये जवाब है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वाला 50,000 रुपीज का जो हमने पढ़ा था, तो इसका भी आप जवाब लिख सकते हो। तो वी कैन राइट 1 मार्क मोर अगेन, ठीक है। जून 19 का पेपर है ये, आगे देखते हैं। सेवन मार्क का एक क्वेश्चन आया है X2A में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एंड गिव एटलीस्ट 1 एग्जांपल ऑफ ईच केस। सो पहले आपको लिखना है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होने का वो जो मोर देन 1 गुड्स और सर्विसेज और बोथ वाला कंटेंट। फिर कंपोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी, और दोनों के एक एक एग्जांपल्स देने हैं। और यहाँ पे अगर आप सेक्शन नंबर के साथ में लिखोगे तो 7 out of 7 मार्क्स मिलने के चांसेस है, अदरवाइज आपका एक आधा मार्क कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 मार्क का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन सॉल्व फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन दिस पेपर।
ओके आप इतना ही कर सकते हो। तो कितने मार्क्स हो रहे देख लेते ये भी। 1 2 3 4 1 2 3 4 और 7 11 मार्क्स फ्रॉम दिस सिंगल चैप्टर। तो ये हमारा पेपर टू ठीक है ना। तो एक में 8 मार्क्स का आया, एक में 11 मार्क्स का आया, मतलब ये जो दो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं अभी तक। सो एनीवेयर इन द रेंज ऑफ वी कैन से मिनिमम स्केल पे 6 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम बोथ दी कंटेंट जो हमने या बोथ दी चैप्टर्स जो हमने अभी पढ़े हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई को मिला के वर्स से वर्स सिनेरियोज में, ठीक है ना। अब ये जो पेपर्स हम लोगों ने डिस्कस की है, ये डिस्कस करने का पर्पज क्या है मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और साथ में आपको ये भी पता चल जाए कि एग्जैक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट वर्ड्स को पिक कर भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़े से वर्ड्स को मॉडिफाई कर भी क्वेश्चन आते हैं और पर्टिकुलर प्रोविजन का एप्लीकेशन पार्ट्स के ऊपर भी सवाल आते हैं। अगर मैं ऑनेस्ट या ईमानदारी के साथ में देखूं तो जितना हमने अभी तक कंटेंट पढ़ा है उस कंटेंट के ऊपर जो 6 to 9 मार्क्स मैंने लिखा है ये मैंने लोअर स्केल पर लिखा है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो एज वेल डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस पेपर्स। लेकिन जनरल वे में प्रीवियस पेपर्स के बेसिस पर इससे ज्यादा ही पूछा गया है, बट इट डजंट मीन कि पूछे गई करते, अल्टीमेट एंड डिसीजन इज अप टू द इंस्टीट्यूट। बट जो कंटेंट का जो वैल्यू है या जो हेवीनेस है उसको ध्यान में रखते हुए सवाल तो पूछना ही चाहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के तरफ। तो इसको आराम से आप रिवाइज कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं सो यू शुड बी एबल टू राइट इट। जो सेक्शन नंबर जो शेड्यूल नंबर मैंने याद करने के लिए बोले हैं उनको याद भी कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, मैच द पेयर कैसे आते हो भी पता है। मैच द पेयर का एडवांटेज क्या है कि अगर मुझे 2 या 3 एंट्रीज भी कन्फर्म पता है तो बचे हुए एंट्रीज को आई कैन डू अ गेस वर्क, राइट। तो थोड़ा ध्यान से अगर ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। इस पॉइंट पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ, कुछ और कंटेंट के साथ। थैंक यू।